हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने माछ की दाल की रेसिपी। ढाबा स्टाइल में हम बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ये दाल देख रहे हैं, इसे मैंने 20 मिनट पहले सोक करके रख दिया था। तो दाल की जो मात्रा है वो मैंने 1 कप जो है चने की दाल ली है और आधा कप मैंने काली उड़द की छिलके वाली दाल ली है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आप उड़द की दाल कम खाते हैं तो आप चने की दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दाल की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। तो यहाँ मैंने खलबट्टा ले लिया है और यहाँ मैंने लिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च, और इन्हें जो है हम दरदरा कूट लेंगे इसमें। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमें किस तरह का ये चाहिए। बहुत बारीक नहीं किया है और इसे दरदरा ही रखा है। तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया है और ये जो दाल हमने भिगो रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे कुछ इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि मैं इसमें डालूंगी 1 प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर, और जो अभी हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च कूट के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और इस तरह से हम एक जाली ले लेंगे। ये अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी पोटली भी बना सकते हैं। तो कुछ दाने मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च के, 2 से 3 मैं लौंग डालूंगी, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 फूल चक्री, नटमग डालूंगी इसमें, जावित्री डालूंगी, और इसकी हम एक पोटली सी जो है वो इस तरह से इसको बंद कर दिया। आप पोटली बना लीजिएगा, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसके साथ साथ मैं डालूंगी जीरा, थोड़ी सी मैं इसमें डाइजेशन के लिए हींग भी ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे हींग, तो हींग की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा इसमें जाएगी। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे भुनी हुई कसूरी मेथी। और अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ हमारे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डालूंगी नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च क्रश की हुई, थोड़ी सी लाल मिर्च, तो मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा डाल रही हूँ, और देगी मिर्च जो कि तीखी नहीं होती है, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, और बाकी गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। और अब बारी आती है इसमें पानी की, तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और लास्ट में मैं इसमें डालूंगी रिफाइंड और अब हम क्या करेंगे, कुकर के ढक्कन को मैं लगा दूंगी और इसे गैस पर रख देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक हमने पकाना है। उसके बाद हमने 20 से 25 मिनट के लिए गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे ही रखना है। तो मैं अब इसके बाद ही आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स,
ये कुकर की एक सीटी आने के बाद मैंने इसे 20 मिनट धीमी आंच में पका लिया था। और अब हम क्या करेंगे, कुकर ठंडा हो गया, थोड़ी सी इसकी स्टीम है तो इसे हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, एक सीटी के बाद इसे मैंने 15 से 20 मिनट तक दाल को धीमी आंच पे छोड़ दिया था और फिर उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी। अब देखते हैं इसकी स्टीम निकल गई है तो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दाल किस तरह से बढ़िया से फूल गई है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने जाली जो है हमारी डाली थी वो निकाल लेंगे। अब इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें सारे मसालों का फ्लेवर आ गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इस तरह से खड़े मसाले क्यों डाले हैं, तो दाल में जो है इस तरह से जब मसाले मुंह में आते हैं तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं इसी तरह से डाल देती हूँ जिससे कि बस इनका फ्लेवर आ जाए। तो दाल आप देख सकते हैं अभी बहुत गाढ़ी है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करूँगी। तो मैंने पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था दूसरी तरफ। और अब हम क्या करेंगे, इस दाल को खुले में पकाएंगे और धीमी आंच में, और थोड़ा सा इसे इस तरह से मैश करते करते हम पकाएंगे। इससे क्या है, ये दाल जितनी अच्छे से पकी होगी, कड़ी होगी, उतना ही ये ज़्यादा स्वाद देगी। तो इसे मैं 10 मिनट इस तरह से धीमी आंच में पकाऊंगी और इस तरह से इसे हल्का हल्का दालों को दबाती रहूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया बढ़ जाता है और आपको लगेगा ही नहीं कि ये जो दाल है, घर में लंगर की जो दाल होती है वही टेस्ट आपको देगी। घर में इस तरह की दाल आमतौर पे हम बनाते हैं पर वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इस तरह से हम इसे दबाते रहेंगे तो इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दाल को पकते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है और अब मैं इसे और नहीं पकाऊंगी क्योंकि मुझे इतनी ही ये गाढ़ी चाहिए दाल। और जैसे ये ठंडी होती है ये और भी गाढ़ी होती चली जाती है। तो अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है मैंने इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है। और इसमें मैं थोड़ा सा बटर भी ऐड करूंगी। और अब इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, हींग, और अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटे हुए गार्लिक, और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी एक लाल मिर्च सूखी वाली जिसे कि मैंने तोड़ लिया है। और गार्लिक को हम अच्छे से सुनहरा होने तक पका लेंगे। और यहाँ मैंने गैस बंद कर दी है और अब डालूंगी कसूरी मेथी, और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी देगी मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये गर्मा गर्म तड़का जो है हम हमारी दाल में डाल देंगे, साथ ही हम डाल देंगे गरम मसाला और इसके साथ ही हम डालेंगे हरा धनिया, और एंड में मैं इसमें ये बटर छोड़ दूंगी। आप बटर की जगह मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे जो है हम एक बार चला लेंगे ताकि हमारा तड़का जो है, जो हमने छौंक लगाया है, वो इसमें मिक्स हो जाए। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी ढाबे स्टाइल में दाल, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि ढाबे से भी ज़्यादा टेस्टी और फ्रेश दाल है ये। और इसे आप चपाती, राइस किसी के साथ भी खाइए, और बेस्ट ऑप्शन इसका रहेगा कि तंदूर की रोटी या नान मिल जाए तो बढ़िया रहता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।